फैसलाबाद का रुख करते हैं। कौमी और सूबाई असम्बली के दो दो हलकों में पीटीआई के उम्मीदवार तब्दील। NS 97 में जुल्फकार भट्टू का नाम खारिज। सादुल्ला बलोच बतौर उम्मीदवार नामजद, जबकि NA 101 में नदीम आफ्ताब सिंधु की जगह राना आतिफ का नाम सामने आ गया है। पीटीआई ने सूबाई असम्बली का एक हलका खाली छोड़ दिया है। बिलाल अहमद फैसलाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। बिलाल, क्या डिटेल्स हैं? इलेक्शन की जो तारीख है उसके अंदर अब सिर्फ जो वोटिंग होनी है उसमें 21 दिन बाकी हैं, लेकिन पीटीआई की जानिब से अभी तक तब्दीलियों का जो सिलसिला है वो जारी है। कौमी और सूबाई असम्बली की नई फहरिस्तें जारी की गई हैं, जिसके मुताबिक दो दो उम्मीदवारों के जो हलके हैं वो तब्दील कर दिए गए हैं। दो दो उम्मीदवार तब्दील कर दिए गए हैं हलकों के अंदर। NS 97 की बात की जाए तो जुल्फकार भट्टू को पहले नामजद किया गया था, उनकी जगह अब सादुल्ला बलोच को उम्मीदवार नामजद कर दिया गया है। इसी तरह NA 101 में नदीम आफ्ताब संधु को हटा के उनकी जगह राना आतिफ का नाम सामने आ गया है। PP 108 के अंदर PTI की जानिब से आफ्ताब अहमद को टिकट जारी किया गया था इससे पहले, लेकिन अब वो हल्का खाली छोड़ दिया गया है। PP 109 में हाफिज अताउल्ला की जगह अब नदीम आफ्ताब संधू, जिनको पहले NA का टिकट जारी किया गया था, अब उनको PP में जो है वो नामजद कर दिया गया है। इसी तरह PP 113 में अमीर शहबाज का नाम जो है वो खारिज करके नदीम सादिक डोगर का नाम जो है वो शामिल कर दिया गया है। और PTI की जानिब से रात गए ये एक नई फहरिस्त जारी की गई है, जिसमें हमें नई लाइनअप जो है वो खिलाड़ियों की नजर आ रही है। जी ठीक है, बिलाल बहुत शुक्रिया आपका।